बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा के साथ दीपक सैनी की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में नजफगढ़ रोड स्थित श्री बालाजी मंदिर के ट्रस्टी श्याम गुप्ता की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों ने निराधार बताते हुए सभी तरह की जांच के लिए मंदिर कमेटी तैयार है। वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि श्याम गुप्ता ट्रस्ट के प्रधान रमेश गुप्ता का ही भाई है और दोनों भाइयों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसे श्याम गुप्ता अब मंदिर तक ले आए। अन्य ट्रस्टियों का कहना है कि श्याम गुप्ता अपने द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को साबित करें नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार है। मंदिर के प्रधान रमेश गुप्ता व अन्य पदाधिकारियों ने श्याम गुप्ता के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मंदिर में चढ़ावे के एक एक पैसे का हिसाब ट्रस्ट के पास है। प्रेस वार्ता में उपप्रधान उमेश सचिव भूषण कुमार सह सचिव सुधीर जैन भारत भूषण ने बताया कि मंदिर के दान में आया सारा पैसा बैंक में जमा किया जाता है और हर साल का लेखा जोखा रखा जाता है, जिसे कोई भी जांच सकता है। श्री बालाजी मंदिर की स्थापना के देवी प्रसाद गुप्ता ने की थी, जिसमें रमेश गुप्ता उर्फ बिल्लू और श्याम गुप्ता संस्थापक सदस्य है। ये सारे जो आरोप लगाए हैं ये सारे निराधार हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये हमारा आपस का प्रॉपर्टी का मामला है, इसकी कोर्ट में 30 तारीख लगी हुई है, उसको लेके सारा मंदिर में घसीटा जा रहा है, ये इतनी बात है। और ये छोटा भाई है जी मेरा, मंदिर का सदस्य है जी, मंदिर को बदनाम करने के लिए ये सारा काम किया, खेल रचा गया है। और ये जितना भी काम है ये 6 महीने से हुआ है, 6 महीने पहले से वो मंदिर का एक सक्रिय सदस्य था, सारी कार्रवाई के अंदर रहता था, सब काम करते थे, मगर अब 6 महीने से जिस दिन से मैंने अपना एक कोर्ट में केस डाला है उस दिन के बाद से सारा मामला हुआ है। तो सर जिस तरह से लगातार उन्होंने कहा कि मैं मंदिर का संस्थापक भी हूँ, संस्थापक ये सन 77-78 में हमारे पिताजी ने लाला देवी प्रसाद जी जो हैं जो आज नहीं है, उन्होंने इसकी नींव रखी थी, जो आज अपने आप को संस्थापक बता रहा है। अजीत तू बोल। और जो इतने दिन का मंदिर का 40 साल का काम था, जो मट्टी मिला दिया उसने। तो भाई हम 11 आदमी मेंबर है मंदिर में, मैं और मेरा बेटा छोड़कर ये 8 आदमी चाहे तो मैं आज ही प्रेसिडेंटशिप से त्याग पत्र देने को तैयार हूँ। भी कोई गलती मेरे अंदर या कोई मेरे परिवार के अंदर कोई निकाले तो उसका जो भी चाहे मैं उसको उससे हर बात से तैयार हूँ, प्रशासन चाहे चाहे पब्लिक चाहे उससे तैयार हूँ मैं। तो सर अब आपकी तरफ से क्या कर रहे हैं? मेरी तरफ से यही है जी, ये सारी मंदिर पे जितने आरोप लगाए हैं सारे निराधार है और ये मंदिर को घसीटा जा रहा है और हमारा आपसी प्रॉपर्टी का विवाद है। अभी 11 तारीख को भी इसने कोर्ट के केस की अवहेलना की थी, जिसकी मैंने पुलिस में सूचना दी थी। तो कल जिस तरह से मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया और भक्तों के आस्था केस पर नहीं, अगर कोई भी भगत सामने आए तो हमारे से सवाल जवाब करें, हम उसकी बात करने को तैयार हैं। अगर एक भी कोई भगत आके कह दे तो किसी बात के लिए, आज तक उसने किसी भी एक दिन मंदिर में आके ये झांके देखा कि मंदिर में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, एक भी किसी बात के लिए। और अभी सन 2002-03 के से आज तक 1.5 करोड़ रुपए की तो प्रॉपर्टी खरीदी गई है और मंदिर का जितना भी लेखा जोखा है सब लिखा हुआ है, जो गल्ले के अंदर से रुपया निकलता है उसी में से सारा खर्चा होता है और ये प्रॉपर्टी भी उसी में से खरीदी गई है सारी। उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे वो लड्डू हो चाहे सरसों का तेल हो हर मामले में मतलब मंदिर ट्रस्ट होता है। मैं ये चाहूँगा कि जो ये आरोप लगा रहा है वो इन चीज़ों के सैंपल भरवाए और उसका तथ्य सामने आए। की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आरोप लगाए हैं सारे ही निराधार हैं, उनमें किसी भी किस्म की कोई भी सत्यता नहीं है। अगर कहीं भी कोई भी सत्यता साबित हो जाए तो मंदिर संस्था उसके लिए जिम्मेवार है और मैं प्रार्थना करूँगा कि जो भी भाई एलिगेशन लगा रहा है वो लोगों की भावनाओं के साथ सुनवाई ना करें और वो कृपया कोई भी सुझाव है तो मंदिर संस्था में बैठ कर मंदिर संस्था की मीटिंग में उस सुझाव को दे, ना कि पब्लिकली उसको अनाउंस करें जैसे कि लोगों की भावना को। देखिए मैं भी मंदिर में पिछले 22 साल से मैं मंदिर में जुड़ा हुआ हूँ,
श्याम गुप्ता जी जो जितने आरोप लगा रहे हैं, ये पिछले 6 महीने से आरोप है, उससे पहले कोई आरोप नहीं था। 6 महीने में मंदिर में वो कह रहे हैं कि मैं मंदिर का संस्थापक हूँ, पुजारी ये कर रहा है, पुजारी जो है पैसे खा रहा है, मंदिर में जितना भी सामान आ रहा है वो मिलावट का आ रहा है, कमीशन खाया जा रहा है मंदिर से, मंदिर का जो भी सामान जिस भी दुकानदार से आता है आप वहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं। कोई भी आदमी, भादुरगढ़ का कोई भी आदमी अगर मंदिर का कोई सामान आता है तो वो अपना प्रॉफिट तक छोड़ देता है, अपना प्रॉफिट भी छोड़ देता है, वो उसको जो भाव उसकी खरीद होती है उसी भाव पे मंदिर को दे देता है, तो कमीशन का तो सवाल ही नहीं उठता। मंदिर अपनी जगह पे बिल्कुल, ट्रस्ट अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। वो जहाँ तक ट्रस्ट के पैसों का सवाल है, फर्म ऑडिट, ट्रस्ट जो है ऑडिट फर्म है, इसकी ऑडिट होती है, हर पैसे का एक एक पैसे का उसमें हिसाब है, बैलेंस शीट है, हर चीज़ का हमारे पास हिसाब है। किसी भी नगरवासी को, किसी को भी, कोई भी मंदिर के प्रति अगर कोई भी शंका है तो वो कभी भी आ सकता है और आके उस ऑडिट की कॉपी हमारे से ले सकता है।